अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन और आप देख रहे हैं हुसैन स्पोर्ट्स। दोस्तों आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी सौंपी गई थी, लेकिन अब क्या हुआ कि भारत एक मर्तबा फिर अपनी हट धर्मी पर बरकरार, और अब बड़ा दावा किया जा रहा है कि अब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, बल्कि अब चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के बजाय दुबई में होगी। लेकिन साथ ही साथ पीसीबी का भी एक बुजदिलाना जो बयान सामने आया है, उसने भी मेरे ख्याल में किस तरह का बयान देकर यानी कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होने के इम्कान मजीद कम कर दिए हैं। अब जानते हैं कि पाकिस्तान जिसको पिछले साल चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी मिली थी, लेकिन आप जानते हैं कि भारतीय टीम जो कि पाकिस्तान में उसने आने से इनकार कर दिया था एशिया कप के दौरान, और उसने अपने मैचेस यानी कि श्रीलंका में खेले और फिर हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप का इनकार हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ पाकिस्तान ने घुटने टेके और पाकिस्तान खेलने गया वर्ल्ड कप भारत में, क्योंकि उस वक्त ये लग रहा था कि एक एग्रीमेंट हुआ और उसमें यह तय पाया है कि पाकिस्तान यानी कि वर्ल्ड कप आईसीसी का इवेंट है और पाकिस्तान भारत जाएगा वर्ल्ड कप खेलने, फिर शर्त ये होगी कि फिर भारतीय टीम 2025 में पाकिस्तान का ट्रेवल करेगी और फिर भारतीय टीम पाकिस्तान में आकर एशिया चैंपियन ट्रॉफी खेलेगी। लेकिन दोस्तों अभी एक साल पड़ा है, लेकिन अभी से भारतीय मीडिया ने खबरें चला दी है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम एशिया का चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी, बल्कि चैंपियन ट्रॉफी की जो मेज़बानी होगी वो यूएई को सौंपी जाएगी, यानी कि चैंपियन ट्रॉफी अब मुत्तहिदा अरब अमारात में खेली जाएगी। लेकिन आपको साथ ये भी आगाह करते चले कि एक दो दिन कबल पीसीबी ने एक बयान जारी किया, पीसीबी का ये मौकिफ था कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तो फिर हम उसका अजाला करेंगे, यानी कि हम उस नुकसान की तलाफी करेंगे, हम फिर आईसीसी को आगाह करेंगे, आईसीसी हम ये दरख्वास्त करेंगे कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती तो हमारा वो वाला नुकसान पूरा किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में ये पीसीबी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था कि अगर भारतीय टीम नहीं आती तो ना आए, हमारी यानी कि हमारे नुकसान की तलाफी की जाए। पीसीबी साहब, जहां बात पैसों की नहीं हो रही, जहां पर बात पाकिस्तान की मेजबानी की हो रही है, जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत जा रही है तो फिर भारत को भी पाकिस्तान आना चाहिए, ये नहीं कि आप पैसों की खातिर डट जाएं कि हमारे पैसे पूरे हो जाएं, हमारा बैंक बैलेंस भर जाए, हमारे यानी कि नुकसान की तलाफी हो जाए, भारतीय नहीं आती तो ना आए। तो मेरे ख्याल में पीसीबी को किस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था कि कोई बात नहीं, भारतीय टीम नहीं आती तो ना आए, यानी कि भारतीय यानी कि बीसीसीआई और इसके अलावा आईसीसी हमारा यानी कि नुकसान पूरा करे जो कि भारत का पाकिस्तान में न आने पर पीसीबी को होगा, फिर उस वक्त में बेशक भारतीय टीम पाकिस्तान में नहीं आती तो ना आए। तो मेरे ख्याल में ये एक बुजदिल बयान था जो कि बीसीबी ने अपनाया, बल्कि जहाँ पर पीसीबी को ये मौके अपनाना चाहिए था कि जब हम वर्ल्ड कप खेल ले, जब हम आईसीसी के इवेंट में शिरकत के लिए भारत गए तो फिर हर सूरत में भारत को यहां पर आना पड़ेगा, और इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, और ना ही पाकिस्तान अपने मौके से हटेगा कि एशिया कप यानी कि सॉरी चैंपियन ट्रॉफी या पाकिस्तान से बाहर होगी या फिर हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियन ट्रॉफी बाहर खेली जाएगी। लेकिन पीसीबी के इस बयान के बाद फौरी भारतीय मीडिया ने यह खबरें चलाना शुरू कर दी हैं कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, चैंपियन ट्रॉफी दुबई में होगी, और उसकी बड़ी वजह यह है कि भारत पाकिस्तान का ट्रेवल नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको पता है कि आज से 6 माह कबल 7 माह कबल यह खबर चली थी कि जो चैंपियन ट्रॉफी होगी वो पाकिस्तान में नहीं होगी, बल्कि वो चैंपियन ट्रॉफी यूएसए और इसके अलावा वेस्ट इंडीज में खेली जाएगी, और ये खबर भी भारतीय मीडिया ने चलाई थी। लेकिन अब जो खबर जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रही है, बहुत ज़्यादा यानी कि वायरल हो रही है, वो ये कि भारतीय मीडिया बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ये चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, बल्कि ये चैंपियन ट्रॉफी दुबई में होगी। तो मेरे ख्याल में अब पीसीबी को डट जाना चाहिए, जो भी हो जाए पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान की यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के लिए, अब हार में एशिया चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होना लाजमी है, जब पाकिस्तान भारत जा सकते, जब पाकिस्तान
आईसीसी का इवेंट खेलने के लिए भारत जा सकता है, तो भारत को भी पाकिस्तान का ट्रेवल करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि भारत के अलावा तमाम टीमें पाकिस्तान आ चुकी हैं और पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। इसलिए आज की बड़ी खबर ये है वो ये है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी एशिया कप 2025 के लिए, और इसके अलावा यूएई होस्ट करेगा चैंपियन ट्रॉफी 2025 को। लेकिन आप देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन इस साल जो बड़ी खबर चल रही है वो ये है, लेकिन दोस्तों अब आप ख्याल में क्या चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए या फिर नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मजीद खबर अपडेट्स के लिए देखते रहिए हुसैन स्पोर्ट्स।